फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई रुद्रा चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। और मैं ज्योति द्विवेदी, आज जो मैं आप लोगों के साथ लुक शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैंने ब्लैक साड़ी में आप लोग कैसे लुक क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप काफी ज्यादा हॉट लगे और काफी मतलब ग्लैम टाइप का लुक लगे। तो अगर आप लोग भी ब्लैक साड़ी में कोई लुक सोच रहे हैं कि किस तरीके का आई मेकअप करें, किस तरीके से मतलब अपना पूरा मेकअप करें, तो मेरे इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। और आज आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि जो मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा था उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। जब मैंने बोला था कि जब मेरे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं जो विनर होगा वो अनाउंस करूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे मैं अपना जो गिव अवे विनर होगा उसको अनाउंस कर दूंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी होने में मेरी हेल्प करें। तो आज का ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैं सबसे पहले अपने फेस पे पतंजलि का एलोवेरा जेल ये अप्लाई कर रही हूँ। मैं आज उन प्रोडक्ट से मेकअप कर रही हूँ जो आसानी से हर किसी के पास मिल जाते हैं, और इसे मैं अपने अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। और ये एज अ प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और उसके बाद मैं अपने फेस पे सीरम लगा रही हूँ, गुड वाइब्स का सीरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरम है, अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइज कर देगा और जो हमारा मेकअप लुक होगा वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई होगा। और हर किसी के पास एक सीरम तो होता ही है, तो आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया और 1 से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे छोड़ दिया है। आप लोग इसी तरीके से कोई भी मेकअप करते हैं तो इसी तरीके से अप्लाई करें। अब बारी आती है अपने डार्क सर्कल को हाइड करने की, जो भी डार्क एरिया है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो भी डार्क एरिया उसको हाइड करें उसके बाद मेकअप करें। तो ये मैंने एले गर्ल प्रो का HD कंसीलर लगाया है और इससे काफ़ी अच्छे से डार्क सर्कल और डार्क एरिया हाइड हो जाता है, तो मैंने सब कुछ छिपा लिया है। और इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर के जेल आईलाइनर से। इसमें 2 शेड मुझे मिले हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक। ब्राउन शेड से मैं अपनी आईब्रोज हैं जो उनको अच्छे से फिल कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है और आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इससे फिल करने के बाद। कोई भी मतलब फेक नहीं लगती, नेचुरल सा लुक लगता है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये मैंने फिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को शेप दे लूँगी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों का भी अगर कोई मस्कारा ख़राब हो गया तो उसका ब्रश का यूज़ आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ना अलग सा ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने अपने फेस पे कोई भी बेस मेकअप करने से पहले जो भी हाइलाइटिंग एरिया होता है, जैसे हमारी ये जो आइज़ के नीचे अंडर आई एरिया और आइज़ के ऊपर और जो भी मतलब ब्लैक एरिया होता है जिन्हें हम लोग चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखें, और आईब्रोज़ को क्लीन करने के लिए मैंने ये कंसीलर अप्लाई कर लिया है। हर जगह अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी, क्योंकि सोचती हूँ ना कभी कुछ ना कुछ नया करने का, इसलिए मैं कुछ अलग ही ट्राई कर रही थी। और मैंने कंसीलर अच्छे से लगा लिया, अब इसे भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। और इसको लगाने के बाद आज मुझे कुछ अलग ही सा लुक लगा था, तो इसलिए मैंने इसे लगा लिया था। और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो गया। और अब मैं ये अपना फिटमी का फाउंडेशन है, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मतलब मेरे से वो गलती से क्लिप ग्लीड हो गई। मैंने इसमें गार्नियर की क्रीम जो आता है ना पाउच, वो मैंने लिया था और उसमें फाउंडेशन हल्का सा मिक्स करके उसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी। तो ये थोड़ा अच्छा सा लुक इसने दे दिया था और काफ़ी अच्छी कवरेज दी थी। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कुछ भी मिक्स करके और अच्छा सा एक अपने बेस बना सकते हैं। तो ये मैंने अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लिया, ब्लेंड कर लिया। अब मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। सेट करने के लिए ये मैं ब्लू हेवन का ये लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लूज पाउडर है और हमारा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। अब मैं अपने बेस मेकअप को सेट करूँगी हुडा ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे से। इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी और फिर इसके बाद इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का सा डैप डैप कर लूँगी, जिससे कि मेरा जो भी मेकअप जहाँ पे है ना वो वहीं फिक्स बना रहे। इस तरीके से मैं कुछ मेकअप करती हूँ, पूरा फुल मेकअप करने के बाद मैं फिर से अपने मेकअप को सेट करती हूँ। मैंने ये अपनी किस ब्यूटी की पैलेट ली है और इससे मैं कॉन्टूर शेड लेके अपना फेस को कॉन्टूर कर लूँगी, अपने चीक्स बोन को और ब्रिज ऑफ द नोज़ हो गई, फोर हेड हो गया, जो भी कॉन्टूरिंग एरिया होता है उसे मैं अच्छे से कॉन्टूर कर लूँगी।
तो मैंने पहले से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप करते हुए हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। एकदम से ब्लेंड नहीं करना है जिससे कि पता ही ना चले कि आपने फेस पे कुछ लगाया भी है, हल्का हल्का ब्लेंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड हो गया है। और आज तक जितने भी मैंने मेकअप लुक किए हैं मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको आई शेडो लगाना नहीं आता है तो इस तरीके से आप एक टेप ले लीजिए और अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे अच्छे से लगा लें, उसके बाद आई शेडो अप्लाई करें। तो ये मेरी शिवाना ब्यूटी की आई शेडो पैलेट थी। इससे मैंने जो भी मैंने कौन सा ये ब्राउन और ऑरेंज कलर का शेड मिक्स करके लिया है, उसे मैं अच्छे से क्रीज लाइन पे बिल्डअप कर लूँगी। और हमेशा आईज के कॉर्नर एरिया से ही हम लोगों को आई शेडो लगाना चाहिए और एक साइड ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करते करते लगा लिया। और सेम जो मेरा जेल आईलाइनर था म्यूज़िक फ्लावर का, उसका मैंने ब्लैक शेड लिया है और इसे मैं पहले एज अ आई शेडो लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का स्मोकी आई लुक चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे पहले अच्छे से अपना जो भी आईलिड एरिया होता है उस पर लगा लिया था। और अब मैं इस पर लूँगी एक फ्लैट ब्रश के सॉरी फ्लफी ब्रश पे ब्लैक आई शेडो लेके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैं इस तरीके से ब्लेंड करूँगी जिससे कि आई शेडो अलग अलग ना लगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्लेंडिंग में टाइम दें आपका आई शेडो लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने ये आई शेडो ब्लेंड करने के बाद एक हल्का सा विंग बना लिया था। और अगर आप इस तरीके से टेप लगा लेते हैं और आप अगर विंग नहीं बना पाते हैं तो इस तरीके से आपकी बहुत ही आसानी से विंग आईलाइनर लग जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर अप्लाई करिएगा और बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से लगाना और काफ़ी आराम से लगा लेंगे। और ये मैंने फिर अब हुडा ब्यूटी का सिल्वर कलर का जेल आईलाइनर लिया है और इसे आई शेडो सॉरी लिया है, इसे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसे आप तुरंत ये तुरंत स्टिक हो जाता है, इसलिए आप फिंगर या ब्रश की हेल्प से इसको तुरंत ब्लेंड कर ले, नहीं तो ये एक जगह ही सारा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने इसे पहले फिंगर से हल्का हल्का ब्लेंड किया था, उसके बाद थोड़ा ब्रश से कर लिया। अब मैंने टेप हटाया है तो मैं फेस पे मेकअप कर चुकी थी तो वहाँ का जो मेरा मेकअप तो हट गया था, तो इसलिए मैं उसे दोबारा से सेट कर रही हूँ। और मैंने ये अपना वही लूज पाउडर लिया और उससे सेट कर लिया। उसके बाद मैं सेम आईलाइनर से अपने काजल लगा रही हूँ और काजल बिल्कुल हल्का हल्का लगाऊंगी क्योंकि आज मैं थोड़ा स्मोकी आई लुक कर रही हूँ, इस वजह से बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी। और इससे मैंने ऑरेंज कलर का शेड लिया है और अपनी वाटर लाइन एरिया पे थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। मैं सेम ब्लैक आई शेडो लूँगी जो मैंने अपनी आईलेट पर अप्लाई किया था और उसे भी लगा लूँगी अपनी वाटर लाइन एरिया के नीचे, तो आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद मैं अब लगा रही हूँ ब्लशर। मैंने पिंक कलर का अपना ब्लशर लिया है अपनी ADS के पैलेट से और अपनी चीक्स बोन को अच्छे से लगा लिया है और थोड़ा सा नोज़ पे और फोरहेड पे भी लगा लूँगी जिससे पिंक लुक आ जाए। और मैंने ये हाइलाइटर अपना लिया है, पाउडर हाइलाइटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि आप लोग हल्का सा ही लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है अपनी आईलैशेस को कर्ल करने की, तो इसके लिए मैंने अपना लिवोनी का मस्कारा लिया है और उससे अच्छे से अपनी जो भी मेरी आईलैशेस है उसे अच्छे से कर्ल कर लूँगी। और हमेशा 2 से 3 कोड आपको अप्लाई करने चाहिए। और मैंने फिर से एक बार सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया था, उसे ब्लेंड कर लिया और उसके बाद अब बारी आती है फॉल्सेस की, तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं ये हुडा ब्यूटी की रेड कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ और इसे अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है और मैट फिनिश देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और आप लोग शेड तो देख ही सकते हो। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना जिससे कि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।